हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम भगवान बुद्ध की चर्चा करेंगे। और वैसे भी आज बुद्ध पूर्णिमा है 2021 की, और ये बहुत अच्छा अवसर है कि बुद्ध पे और बुद्ध की जो देशना थी उस पर बात की जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि बुद्धिज्म पे और बुद्धिज्म में जो सैद्धांतिक चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, वो उससे लोग अपरिचित है, ज़्यादा परिचित नहीं है। और क्योंकि जिससे भी पूछो कि बुद्धिज्म क्या है या भगवान बुद्ध की देशना क्या थी, उनके उपदेश क्या थे, हर चीज़ को लेके, समाज को लेके, व्यक्ति को लेके, ब्रह्मांड को लेके, ईश्वर को लेके, आत्मा को लेके, प्रकृति को लेके, तो बहुत कम लोग हैं जो कि इससे परिचित हैं, बुद्धिज्म से। और बुद्ध से तो परिचित हैं कि गौतम बुद्ध हुए थे, लुम्बिनी में उनका जन्म स्थान है, और उन्होंने कैसे कैसे, ये तो पता है। बट बुद्धिज्म के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता कि बुद्धिज्म में बुद्ध, जैसे लोग बात करते हैं, जैसे जब भी बुद्धिज्म पे बात करनी हो तो जल्दी से लोगों को याद आती है बुद्ध ने चार आर्य सत्यों की बात की थी, कि चार आर्य सत्य हैं, और भी बहुत सारे उन्होंने दिए थे, आठ नियम दिए थे, जैसे बाकी धर्मों में भी नियम हैं। तो नियमों की बात करेंगे और सत्य की बात करते हैं, मगर बुद्धिज्म के अंदर वो किस आधार पर गौतम बुद्ध ने चीज़ों को कहा और क्यों कहा, थोड़ी गहराई में यदि बात की जाए तो कोई परिचित नहीं दिखता, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। तो आज के एपिसोड में मैं एक दो चीज़ों को लूँगा जिससे कि हम डिस्कशन कर सकें बुद्धिज्म के जो मेन टेनेट्स हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं। इसमें एक दो चीज़ पर ही हम बात कर सके तो बहुत बहुत हो जाएगा, क्योंकि एक किसी एक चीज़ पर हम एक नहीं दसों एपिसोड बना सकते हैं, किसी एक चीज़ पर। मैं आज एक चीज़ लेता हूँ, जैसे बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म जो है वो अनात्मवादी धर्म है, उसमें अनात्मवाद है। तो एक अनात्मवाद तो एक चीज हो गई कि वो अनात्मवादी धर्म है। दूसरी चीज और भी हम ले सकते हैं, जैसे पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की उनकी व्याख्या थोड़ी सूक्ष्म और अलग है। चीज तो वही है, सत्य तो एक ही चीज होती है, चाहे हिंदुइज्म में हो या किसी व्यक्ति को का अनुभव हो, चीज तो एक ही है, मगर उसको बताने का ढंग थोड़ा सा अलग है। बुद्धिज्म में पुनर्जन्म को लेके, वैसे ही देवी देवताओं को लेके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हैं। तो हम पहला ले लेते हैं, जैसे अनात्मवादी बुद्धिज्म, अनात्मवादी धर्म है। इसका मतलब, क्योंकि शब्द से तो यही लगता है कि वो आत्मा को नहीं मानते, अनात्मवादी मान लो आत्मा को नहीं मानते, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसे हम आत्मा समझते हैं, भगवान बुद्ध उसको आत्मा नहीं कहते थे, उसको कुछ और बोलते थे उसका। हालांकि जो योगिक साइंस में हम हमेशा मूल की बात करते हैं, कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो मूल है, मूल से ही सब कुछ हुआ है, पूरा ब्रह्मांड मूल से ही हुआ है, मूल से दो की उत्पत्ति हुई, प्रकृति और पुरुष की, ठीक है, और फिर प्रकृति के अंदर जीवात्मा के सहयोग से सारी सृष्टि हुई है। तो भगवान बुद्ध क्या करते, मूल की कोई बात नहीं करते। जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछता था कि आप हमें ईश्वर के संबंध में कुछ बताइए या अंतिम सत्य के बारे में कुछ बताइए, तो वो चुप हो जाते थे। और उन्होंने ये धीरे धीरे, फिर बाद में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो दो तीन प्रश्न है ये मुझसे कोई कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका कोई आंसर शब्दों में या किसी भी तरीके से नहीं दिया जा सकता, ये तो जिसका अनुभव है बस उसी का अनुभव है।
कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में। तो भगवान बुद्ध ने बिल्कुल मना कर दिया था कि उस मूल के बारे में, उसके बारे में, अंतिम सत्य के बारे में कोई ना पूछे। अंतिम सत्य मूल का मतलब ये हो गया कि जो सभी कल्पनाओं से परे है, जिसमें कल्पना नहीं है, काल्पनिक जगत के परे, वो तो मूल हो गया, तो उसकी बात नहीं होती थी। तो इसमें जो मेन चीज समझने की है वो ये है कि तो भगवान बुद्ध आत्मा किसको कह रहे हैं, है ना, आत्मा किसे कह रहे हैं, और अनात्मवाद इन्होंने क्यों बोला कि इस चीज को हम यदि हटाते हैं इस कॉन्सेप्ट को तो हम मूल को समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध एक चीज बोलते थे शर्मा जी कि एक चीज बोलते थे कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद या जीवन में भी कौन सी ऐसी चीज है जो कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू रहती है। जैसे आपने शरीर छोड़ दिया फिर भी जो कंटिन्यू है, जो चल रही है, तो उसकी बात करते थे। तो वो ये कहते थे कि जो मान लो हमने शरीर छोड़ दिया, शरीर त्याग दिया, तो जिसको हम संबंध और संस्कार कहते हैं, संबंध और संस्कार कहते हैं, मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, ठीक है, तो उस वो ये कहते थे कि जो ये सारी जो मेमोरी है, सारी चीजें मेमोरी के फॉर्म में आ जाती हैं, है ना, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, चाहे बुद्धि दे लीजिए या कुछ भी दे लीजिए, है मेमोरी वो, ठीक है। आज हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, अगले क्षण वो मेमोरी बन जाएगी, वो कहीं ना कहीं रहती है, ठीक है, हमें शरीर में तो नहीं मिलेगी मगर उस मेमोरी एक अलग ही डायमेंशन में वो रहती है, मेमोरी है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध कहते थे कि शरीर छोड़ने के बाद ये जो मेमोरी है ये कंटिन्यू रहती है, ना शरीर कंटिन्यू रहता है, शरीर खंडित हो गया, ठीक है, अपने अपने एलिमेंट्स में जा मिला अपना, हालांकि तो वो भी खत्म नहीं हो रहा, वो भी अपने अपने सोर्स में चला गया, ठीक है, मगर तो ये जो मेमोरी है हमारे, जो भी संबंध संस्कार के रूप में जो हमने इकट्ठी किए हैं, जो संस्कार है वो कंटिन्यू रहेगी, और ये जो कंटिन्यूएशन है, ये कंटिन्यूएशन ही पुनर्जन्म है, इसका जो कंटिन्यूएशन है मेमोरी का। तो ना तो मूल के अंदर कोई ऐसी चीज है कि जो कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यू जैसी कोई चीज को धारणा नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वहां पे तो ना समय का बोध है ना स्थान का बोध है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, ना ज्ञान है ना ज्ञाता है ना ये, कुछ भी नहीं है वहां पे, ठीक है। और फिजिकल स्तर पर बात करें तो हमने जन्म लिया, हम मर जाएंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है, मगर जो कंटिन्यू रहती है हमेशा सूक्ष्म में, वो हमारी मेमोरी रहती है, उसको भगवान बुद्ध ने कहा है आत्मा, आत्मा, ठीक है, जो हमेशा नए नए वस्त्र लेती रहती है, और इस शरीर से छूटी, ठीक है, फिर कहीं और संबंध बनाएगी, क्योंकि हम योगी साइंस के माध्यम से बता चुके हैं कि जो हमारा जो सूक्ष्म रूप है, फिजिकल रूप तो चला गया है, जो सूक्ष्म है, जो संस्कार है, वो संबंध बनाते हैं कि जाते जाते नहीं है, संबंध स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित किया तो नया शरीर मिल गया, ठीक है। तो भगवान बुद्ध कहते थे कि ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ मेमोरी है, ठीक है, जब तक ये कंटिन्यूएशन नहीं टूटेगा तब तक हम मूल में नहीं जाएंगे, मतलब कि मूल प्रत्यक्ष नहीं होगा, हम क्या नहीं जाएंगे, हमारे तो कोई बात ही नहीं है, मूल प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो ये इस कंटिन्यूएशन को तोड़ने के लिए ही वो बोलते थे कि हमें अनात्मवाद होना पड़ेगा, इसके लिए वो जो कंटिन्यूएशन है उसकी मेमोरी की, जो संस्कार जो आज सत्येंद्र बना हुआ है, कहीं फिर कुछ दिनों बाद कुछ और बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, वही चीज ऐसे करके, तो ये कंटिन्यू रह सकती है, कोई समय का कोई ठिकाना नहीं है, जितने मर्जी तक कंटिन्यू रह सकती है। और साधना की दृष्टि से बात करें तो इस कंटिन्यूएशन को खत्म भी किया जा सकता है, तो इस कंटिन्यूएशन को खत्म करने को ही अनात्मवाद बोलते थे, ये अनात्मवाद है। तो अनात्मवाद होते ही मूल प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि मूल के अंदर मेमोरी नहीं है,
मूल मेमोरी का हिस्सा नहीं है, मूल तो मूल ही है, मूल के अंदर कंटिन्यूएशन जैसी कोई चीज नहीं है, कोई प्रोसेस है नहीं उसके अंदर। उसकी चेतनता है वो अलग बात है, पर वो ये प्रोसेस नहीं है वहां पे। ये तो प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है। तो एक तो ये अनाथवाद की ये बात हुई, तो ये थोड़ा सा गहरा है, मगर लोग सोचते हैं कि पता नहीं भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं मानते। यहाँ आत्मा से मतलब ये है कि जो चीज कंटिन्यू रहती है हमारे शरीर छोड़ने के बाद भी कंटिन्यू रहती है, फिर कुछ और संबंध बनाती है कहीं और, फिर वहां रही, फिर संबंध बनाया उसने, ऐसे करते वो चलती रहती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे कि दिया जलता है ना, दिए में जो फ्लेम होता है ना, जो दीपक में जो अग्नि होती है वो तो जलती रहती है, मगर भगवान बुद्ध कहते थे कि यदि आप ध्यान से देखो तो वो ऐसे नहीं है कि कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में ऐसा नहीं है कि कोई गैप नहीं है, नहीं, गैप है हर फ्लेम में, बीच में गैप मारती है वो, और वो गैप इतना कम होता है, इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है कि हमें पता नहीं लगता, और हमें लगता है कि कंटिन्यू चल रही है ये फ्लेम जो है, दीपक जो वो कंटिन्यूस चल रहा है, जल रहा है, बल्कि जबकि ऐसा होता नहीं है, बीच बीच में वो उसके अंदर गैप आता है। तो बोलते थे कि हमारे संस्कार भी ऐसे ही हैं, संस्कार ने भी एक शरीर ले रखा है, ठीक है, शरीर छूट गया, गैप आया, फिर वो कहीं और संबंध बनाएगी, मगर वो दीपक की तरह जलती रहेगी, वो जो मेमोरी है, जो संस्कार है, वो दीपक की तरह जलते रहता है अलग अलग शरीरों में, अलग अलग व्यवस्थाओं में, अलग अलग सिस्टम में। तो इसको यहाँ पे अनात्मवाद समझ में आता है। तो भगवान बुद्ध यही बोलते थे कि जब तक ये कंटिन्यूएशन खत्म नहीं हो, ये जो पूरी मेमोरी का जो प्रोसेस है ये खत्म नहीं हो। अच्छा, ये खत्म कैसे होगा? यदि हम रियल और अनरियल को समझ जाए, तो मतलब कि काल्पनिक और जो यथार्थ है, जो रियल है, वो समझ जाए तो, क्योंकि जो कंटिन्यूएशन है ना, जो संस्कारों का कंटिन्यूएशन है वो काल्पनिक में है, समय में, हमेशा काल्पनिक में है। ये कल्पना खत्म हो जाए किसी तरीके से तो मूल प्रत्यक्ष होगा। तो इस कल्पना को खत्म करने के लिए बोलते थे कि अनात्मवाद, हमें अनात्मवाद को, अनात्मवाद ही सिद्ध करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि साधनाओं से या कैसे भी अनुभवों से इसको, इस कंटिन्यूएशन को खत्म करना, ब्रेक करना किसी तरीके से, उस दीपक को बुझाना है। भगवान बुद्ध ने एक और शब्द प्रयोग किया था, बहुत लोग प्रयोग करते हैं मगर बहुत कम लोगों को पता कि इसका मतलब क्या है, निर्वाण। हाँ, निर्वाण, निर्वाण यूज करते हैं, निर्वाण या महानिर्वाण, बहुत से लोग महानिर्वाण भी बोलते हैं, बहुत से लोग परिनिर्वाण भी बोलते हैं। तो निर्वाण का मतलब होता है कि किसी दिए का बुझ जाना, है ना, कोई दिया जल रहा है और आपने फूंक मारी, दिया बुझ गया, तो संस्कारों का दिया बुझता है, बुझता है, उसका मतलब ये कि संस्कार को दिया बुझा दो, है ना, तो वो निर्वाण हो गया, समझ लीजिए। निर्वाण का मतलब संस्कारों का दिया बुझ गया और मूल जो है वो प्रत्यक्ष हो गया, तो उसको बोलते थे निर्वाण हो गया। किसी व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, है ना, और शरीर छोड़ने के बाद उसकी कंटिन्यूएशन खत्म हो गई है, संस्कार खत्म हो गए, सारी कल्पना खत्म हो गई उसकी, तो अब उसकी स्थिति जो है मूल में है, मतलब कि मूल है वो, तो खत्म हो गया, मान लो वो मूल है। तो भगवान बुद्ध ने एक तो शब्द निर्वाण दिया था, बहुत ही अच्छा शब्द है निर्वाण, और अनात्मवाद तो थोड़े गहरे हैं, मगर यदि हम इसको ध्यान से समझें तो जो जिन सिद्धांतों की हम बात करते हैं, योग की, साइंस के सिद्धांतों की, तो पूरा हर तरीके से ये फिट बैठता है कि भगवान बुद्ध किसके बारे में बोल रहे हैं और किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे ये योगिक साइंस के माध्यम से? जी जी, इन दोनों पे, जी, योगिक साइंस के माध्यम से आज बुद्ध पूर्णिमा है और थोड़ा मूल के बारे में इस वक्त योगिक साइंस के जो सिद्धांत हैं वो मूल के हैं और जो उसकी सारी व्याख्या है वो सारी कल्पना में है। तो जो मूल के सिद्धांत में व्याख्या करते हैं तो उसमें हमें ये कहना है
आज अच्छा अवसर है कहने के लिए कि मूल जो है योगी साइंस में मूल की स्थिति और उनका मूल में उनका ढंग क्या है, उसकी प्रकार क्या है, उसका मूल का प्रकार क्या है, और मूल में जो ये अनात्मवाद जो भगवान बुद्ध ने बताया, हम तो उसे कभी कभी ये कहते हैं कि जीव जीव आत्मा कद जीव आत्मा करते रहते हैं, हम कभी कभी बहुत सारा ये भी बोलते हैं कि वो केंद्रित चीज है, तो हम इस वक्त वहां से सामने से जीव या आत्मा ऐसा कोई शब्द आने रहा, ये हमने तय किए, ये बात पहले आप मूल में सिद्धांत में योगिक साइंस के सिद्धांत में आप समझ लें। दूसरी बात ये इसमें ये हम छोटा सा एक विषय पर यही मूल के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि आप बहुत एक मेन चीज करें कि जब जो चीज प्रत्यक्ष होती है वो हमारे अनुभव में आती है, और जो चीज हमारे अनुभव में आती है वो हमारे उसके तीनों कालों के अनुसार वो चीजें भूत में और वर्तमान में भविष्य में हमें सब तरीके से दिखाई देती है। तो जब सब तरीके से और सब सम्य दृष्टि है, चाहे मन में भी आँख है, आँख में ही आँख है, बुद्धि भी आँख है, हर चीज में आँख है, देखने की पावर सब में है, तो सभी यूनिटों में है, तो सभी यूनिटें देख सकती हैं कि इसका भविष्य अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका भविष्य क्या होगा, ये सब कुछ दिखाई देता है बिजनेस की तरह। अब ये सवाल ये उठता है कि ये जो चीजें हमें दिखाई देती हैं ये प्रत्यक्ष हैं, ये जो प्रत्यक्ष हैं उसे हम अनुभव कहते हैं, और जो अप्रत्यक्ष होते हैं उसे हम स्मृति कहते हैं। भगवान बुद्ध ने उसे ये कहा है कि वो संबंध और संस्कार जो हम इस ब्रह्मांड में स्थित हैं, वो हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, हम उनको उनको ही ग्रहण करते हैं और उनको ही उनकी ही तरह उनको पुनः स्थापित करते हैं, हम हमारा उसमें रोल कुछ नहीं है, मगर हमें हमें इससे हासिल क्या होता है, नित्य नया एक नया अनुभव कि ये मैंने किया, ये चीज मुझे इसमें से हासिल होती है, ये हमें नहीं दिखाई देता है कि ये चीज ब्रह्मांड की थी और ब्रह्मांड से मैंने कलेक्ट की और कलेक्ट करके ज्यों की त्यों फिर रखी, ये ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञान होता है कि मैंने रखी और मैं कर सकता हूँ, बस ये जीव को या केंद्रित है उसको ये ज्ञान रहता है। अब हम छोटे से तरीके से बता दें जिससे एक मूल के सिद्धांत को जहाँ आत्मवाद और अनात्मवाद का आ रहा है, तो अभी हमने आपको ये बता दिया था कि जब एक चीज होती है तो अनुभव में होती है, दूसरी अप्रत्यक्ष होती है वो स्मृति में होती है, ये दो चीज का निवारण ये हमने बिल्कुल सीधे सीधे मूल में किया है। हम अभी व्याख्या में उसमें नहीं जा रहे हैं जहाँ पे काल्पनिक संसार है, क्योंकि काल्पनिक संसार जहाँ हम जाएंगे तो हम मूल में रहते हैं, तो मूल की स्थिति अनादि वो हमारे सामने होती है, काल्पनिक हमारे स्मृति में होता है, तो वो काल्पनिक है। जब हम काल्पनिक में जाएंगे तो हमारा मूल जो है वो स्मृति में आ जाएगा, स्मृति में भी नहीं आता, बस वो लोगों के साथ शास्त्रों के बताने से ये जो है हमें दिखाई देता है कि हाँ भाई ऐसी कोई चीज होगी, ये चीज हमें अनुभव में आती है कि आत्मा होगी, परमात्मा होगा, ऐसा कुछ होगा। कभी कभी हमारे ऊपर बहुत संकट आ जाए तो हम स्वतः ही जहाँ खड़े होते हैं ठीक ऊपर की तरफ देख करके और हम दुआ मांगने लगते हैं कि हमारे संग बहुत बुरा हुआ, भगवान करे इसके संग भी ऐसा ही हो, क्योंकि आधार तो वही है ना, क्योंकि आधार तो वही है, मूल है, मूल को इतना ही याद, हाँ तो आधार हर जगह तो है ही वो, इसलिए इतना ही उसकी स्मृति बनी रहती है, हाँ इतनी आभास, उसका आभास कही स्मृति नहीं, आभास कही है, हाँ कंप्लीट थ्री सिद्धांत की नहीं बनती, नहीं तीन सिद्धांत की नहीं बनती, सिर्फ एक ही ये आपको एक ही परमात्मा के सिद्धांत की बनी, क्योंकि जिस पर आघात हुआ है उसको उसके ही विपरीत आपने उसको याद किया है। आपको ये तो पता कि हमारा मूल स्वरूप क्या है और हमारा दो का सिद्धांत क्या, प्राकृतिक क्या चीज है, बाहर की एनर्जी क्या, ये चीज ज्ञान नहीं है, ये चीज ज्ञान नहीं है, नहीं ये चीज ज्ञान नहीं है, बस उतना है। तो ये तो शास्त्र में पढ़ लिया, उसके पीछे दौड़ रहे, भागम भाग लगी हुई है, अनेक तरीके से अनेक समझे, आज तक कोई समझ नहीं पाया और ना कोई ठीक से समझा पाया, क्योंकि जो चीज यहाँ समझाने समझ में नहीं आई, इसलिए आज हमने ये तय किया
कि बुद्ध पूर्णिमा पे आपको मूल के थोड़े एक सिद्धांत बता दें, एक प्रकृति का सिद्धांत बता दें कि जैसे एक आम का बीज है, हम ये कहते हैं कि हमारा एक सिद्धांत है मूल में कि जो प्रकृतिक है उसमें आधे अंडे में नीचे लिक्विड है, आधे अंडे में उधर रिक्त पारदर्शी है, बीच में उसके सेंट्रल लाइन पे बहुत सारे हम उन्हें जीव कहते हैं या केंद्रित कहिए, जो जो केंद्र या उसकी ऐसी चीज कहिए कि जो उन दोनों की चेतना से डेवलप चेतना है, मगर इतनी डेवलप नहीं है कि उसे परमात्मा की भी जरूरत ना पड़े, इतनी डेवलप नहीं है। तो वो केंद्रित हम उसे कहिए या जीव कहिए, वे भाषा का प्रयोग आप जानिए, मगर हम एक सिद्धांत बता रहे हैं आपको। ऐसे ही आम के बीच में बाहर से एक फ्रेम होता है, हम कह रहे हैं एक अंडे का एक बाहर से फ्रेम होता है, अंदर लिक्विड है, ऊपर उसके पारदर्शी है, बीच में उसके जीव है। मैं ऐसे ही आम के बीज में एक पीस इधर होता है, एक पीस उधर होता है, बीच में उसके अंकुर का एक बहुत छोटे पॉइंट होते हैं, तो वो होते हैं अंकुर। ऐसे में बोला बहुत छोटा जीव है वहां या बहुत छोटा केंद्र है, तो वो बीज होता है। अब ये अंडे में पेड़ पेड़ फल फूल और डाल चमड़ी और उसकी जड़ें और उसके बोर वगैरह ये सब की जो धूप प्राकृतिक जल पानी उसे उगना और बड़ा होना, ये सब कुछ उसका काल्पनिक है, वहां पे स्मृति रूप है, स्मृति रूप वहां पे उसकी स्थिति है। अनुभव रूप में इस वक्त बीज दो फाड़ियां हैं, उसके बीज में अंकुरित है, अनुभव रूप में वो है। हमारा यौगिक सिद्धांत भी यही कहता है कि एक अंडे में ये स्थिति बनी हुई है, तो इस प्रकृति की बात करता है। तो अब जब ये बीज आता है तो वो जो अंकुरित बीज होता है उससे तो निकल करके पेड़ बनता है, मगर वो दो पीस उस पेड़ में कहीं नजर नहीं आते। ऐसे ही जो जीव है, जीव परमात्मा की शक्ति से यहाँ बहुत सारा ब्रह्मांड में क्रिएट करता है, मगर उसका साकार निराकार को जानता है, मगर उसकी मिक्सिंग नहीं जान पा रहा है। तत्वत्व जान करके ये तो शास्त्रों का झमेला है कि शास्त्रों ने क्या किया है, निष्कर्ष कभी दोनों एक एक में मिक्स नहीं होते कभी भी। यहाँ हम बोलते हैं कि हमारे इसमें तत्व है, अग्नि है, ये है, वो है, सब नौटंकीबाजी करते हैं, मगर इतना भी है मिक्स नहीं होते। दो ही चीजें हैं वहाँ, दो पीस हैं वहाँ, एक 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 लिक्विड है और एक निराकार है, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। पहला पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट ये मिक्स होकर के जो की अनुभव है वो सब केंद्र को है, जीव आत्मा को है, ये मिक्स हो रखे हैं। यही अनुभव हमारे को अंधेरे में रखता है और यही अनुभव हमको यहाँ जगत में उभरने नहीं देता है, और ये शास्त्र उसके जाल इन्होंने बना रखा शास्त्रों ने, इसलिए हम कभी ऐसी स्थिति में नहीं जा पाते। ये हमारे सिद्धांत का हमने एक पीस बताया है, जबकि योगिक साइंस में तीन सिद्धांत हैं। आज हम सिर्फ एक ही सिद्धांत पे बात करेंगे, बुद्ध पूर्णिमा पे, कि एक सिद्धांत जो प्राकृतिक में है, अनात्मवादी भी है, हम उसे केंद्रित कहते हैं, हम भी आत्मा नहीं कहते हैं, हम नहीं कहते कि आत्मा, मुझे नहीं लगता है कि वहां से कोई नाम लिख करके आया हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमने तय किया है। बाकी स्थिति तो स्थिति है, तो एक स्थिति की आज योगिक साइंस से हमने व्याख्या करी है। अब हम दूसरी स्थिति जब हम बात करेंगे, आगे कोई आएगा तब उस वक्त करेंगे। यही योगिक साइंस में हमने कहना था आज, तो मूल रूप में केंद्र रूप में कहना था, सूक्ष्म में कहना था, अनादि में कहना था, आदि में कहना और प्राकृतिक में कहना था, अनात्म का देना संबंध और संस्कार का कहना था, और अनात्मवादी और आत्मवादी का कहना था। तो ये मेरा यौगिक सिद्धांत बिल्कुल, चाहे गीता हो, चाहे आपके कोई, आप अगर वन बाई वन पीस पकड़ेंगे तब ये यौगिक साइंस सही बैठती है। अब अगर आप गीता की खिचड़ी बना करके और आप किसी भी महापुरुष के प्रवचनों को खिचड़ी बना के यौगिक साइंस को समझने का प्रयास करेंगे, यौगिक साइंस कभी भी आपको समझ नहीं आएगी। यौगिक साइंस में तीनों सिद्धांत अलग अलग हैं, अलग अलग बात करिए, सब बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे, सभी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, सब जगह सही बैठेंगे, यही मुझे कहना।
आज तो हमने ये दो तीन सिद्धांतों की बात कर ली, अनात्म अनात्मवाद, और मैंने थोड़ा सा निर्वाण के संबंध में बताया, और आपने भी मूल को बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो मतलब कि भगवान बुद्ध के जो भी उनके उनकी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे धम्मपद है और भी बहुत सारी किताबें हैं, और डायमंड सूत्र है, बहुत सारे सूत्र भी इन्होंने दिए हैं, और अब तो और भी चीज़ें फैल गई हैं, बौद्धिक तंत्र भी हो गया, और महायान, हीनयान, बहुत सारे विभाग हो गए उसके, और बहुत खिचड़ी बनी हुई है इस टाइम। मगर मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध के जो मूल सिद्ध, मूल का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ पर बाकी चीज़ें टिकी हुई हैं ना, जिन चीज़ों में बाकी सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, ठीक है, वहाँ पे भगवान बुद्ध का क्या संदेश था, वो क्या बताना चाहते थे, तो उसमें हमने इन दो बातों पे बात की आज, अनात्मवाद और निर्वाण पे, और योगिक साइंस की दृष्टि से मूल की बात की। तो आने वाले बाकी एपिसोड में भगवान बुद्ध के और भी हम लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भगवान बुद्ध ने कही है, और जो वैदिक जो हमारे सिस्टम है उससे मेल नहीं खाते वो चीज़ें। मूल में तो एक ही चीज़ है ना, हम ये कि समझना नहीं चाहते जो भगवान बुद्ध ने कहा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ और कहा, और नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने बस ये कि जिन खराब धारणाओं से जो सत्य है वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, और या हम ब्राह्मणवाद में ज़्यादा चले गए थे, तो उसको तोड़ने के लिए और सत्य को एक नए रूप से बताने का प्रयास किया उन्होंने, और इसलिए काफ़ी लोग बुद्धिज्म को नहीं समझना चाहते, सोचते कि हो गए कुछ, मतलब कुछ होगा निर्वाण या फिर अनात्मा कुछ होगा, हमें क्या मतलब इससे। मगर ऐसा नहीं है, यदि हम उनको समझें तो एक नई दृष्टि सामने आती है, उसी चीज़ को समझने के लिए नई दृष्टि से। जैसे मूल को आपने एक तरीके से बताया, ठीक है, उसी को हो सकता है उन्होंने बहुत दूसरे ढंग से समझाया हो, है ना। हम मूल को कल्पना की दृष्टि से भी समझ सकते हैं, मूल को और भी चेतनता की दृष्टि से समझ सकते हैं, तो बहुत सारे एंगल हो सकते हैं एक ही चीज़ को समझने के लिए। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले एपिसोड्स में हम और भी बात करेंगे बुद्ध पे। हालांकि आजकल हमारी सीरीज गीता भी चल रही है, तो 8 तो हम बना चुके हैं, 8 सीरीज गीता के, है ना, 8 पार्ट हो चुके हैं। अब हम 9वां हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलते हैं, तो नेक्स्ट गीता पे ही हम बात करेंगे, और बीच में कभी भी मौका मिलता है गीता के अलावा तो भगवान बुद्ध की और भी चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं। तो शर्मा जी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।